मुंबई के कोलाबा में एक खालसा इंटरनेशनल परफ्यूम शोरूम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड और राजनीति जगत की तमाम दिग्गज हस्तियां मौजूद रहीं। इस मौके पर क्या कुछ कहना था मौजूदा मुख्य अतिथि का, देखिए मुंबई से हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ब्रांड को बहुत बहुत मुबारक, और ये इतना अच्छा इन्होंने निकाला है जो सेल्स के साथ में सुन्नत तरीके से, जो हुजूर को पसंद है खुशबू, वो धंधे में तो बरकत ही ज़्यादा है, और हमारी सबकी दुआ है उनके साथ में। शुक्रिया फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। बेसिकली हमारे ज़्यादा के क्लाइंट सब अरब ही है, फ्रॉम UAE, फ्रॉम ओमान एंड ऑल, लेकिन हमने कोशिश की है कि हम इंडियन भी क्लाइंट को टारगेट करें, और उन तक जो टाइप की फ्रेगरेंस इंडिया में चलती है, बम्बई को चलती है, हमारे यहाँ के वेदर के हिसाब से हमने वो टाइप के परफ्यूम हमने लॉन्च किए। लेट्स सी इंशाल्लाह एवरीथिंग विल गो वेल। सबसे पहले तो मैं एक बात में मुबारकबाद दूंगा हमारे कादर भाई और एजाज भाई, अजीज भाई को, के बहुत अच्छा ब्रांड, इन्होंने नाम भी बहुत अच्छा चॉइस किया है। अत्तर की दुकान से अगर कोई गुजरता है तो उसको खुशबू मिलती है, और कोयले की दुकान से निकलेगा तो उसको कालिक लगेगी। तो अत्तर का बिजनेस जो है हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो पसंद था वो अत्तर था। तो ये सुन्नत तरीका है, सुन्नत है, और ये कारोबार जो है वो इतना बम्बई के अंदर फला फूला है कि हिंदुस्तान की मार्केट इतनी बड़ी हो गई है कि एक्सपोर्ट जो होता है यहाँ से अत्तर पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम है। मेरा अभी फिल्म चल रहा है अभय डियोल जी के साथ, एक तमिल फिल्म है इद वेदालम सोलम कदई, तो इसका पार्ट वन अभी चल रहा है शूट, वो डिफरेंट सीरीज में आने वाला है पार्ट टू। जैसे आप देखते हैं एवेंजर्स, जस्टिस लीग, ऐसे ही कुछ सीरीज में है, एक्शन है, सब कुछ है। सो अभी फ़िलहाल शूट ख़त्म किया और मैं आई हूँ, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये जो परफ्यूम है फ्रेगरेंस की मैं दीवानी हूँ, और हम लड़कियों को अच्छा लगता है कि खुशबू अच्छा आए तो हमारे आसपास भी अच्छा रहे खुशबू, तो मैं इसीलिए खास कर आई हूँ। एंड यू नो अरेबियन हुआ या यू नो आई थिंक मुस्लिम कल्चर से वी हैव कम अक्रॉस अमेजिंग परफ्यूम्स। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, बदले सोच समय के साथ।